हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि गूगल शीट में आप खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी होती है गूगल शीट पर, आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार है हमारा इज इक्वल टू। अगर हम सब फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो एस प्रेस करता हूं तो एस वाले सारे फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें डी से कोई फॉर्मूला लगाना हो तो डी के सारे फॉर्मूले डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डॉलर डी ओ प्रेस करता हूं, डॉलर और डॉलर एड और यहां पे और भी फंक्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगे फॉर्मूलास। हम यहां पर चाहते हैं खुद का फंक्शन बनाना। आपको पता है स्क्वायर नाम का भी एक फंक्शन होता है, एसक्यूआरटी नाम का एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम यहां एक डबल नाम से फंक्शन बनाए, खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको जाना होगा टूल्स पर। ठीक है, तो आइए चलिए टूल्स पे चलते हैं। यहां से आपको क्लिक कर देना, ये जो टूल्स लिखा हुआ है मेन्यू, यहां पर कर दीजिए क्लिक। नीचे आइएगा तो यहां आपको मिलेगा स्क्रिप्ट एडिटर, आपको स्क्रिप्ट एडिटर पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग वाली विंडो हो जाएगी ओपन। तो यहां पर देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट वाली जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है और यहां पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है, यहां पर इस तरह का कुछ सीन दिखाई पड़ रहा है आपको। यहां पर हमें कोडिंग करनी है, कैसे कोडिंग करेंगे, क्या कोडिंग होगी, इन सब का आपको भी होगा बेसब्री से इंतजार। तो चलिए आइए स्टार्ट करता हूं और यहां पर कर लेते हैं हम कोडिंग। कोडिंग क्या करनी है हमें, मान लीजिए कि डबल नाम से एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा डबल। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा आइए चलिए देखते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, जो भी फंक्शन बनाना है उसे यहां पर लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूं डी ओ यू बी एल ई, डबल टाइप कर दिया हमने और यहां पर इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहां पर डबल जो है, अच्छा जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी बात आप याद रखिएगा। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें ये भी बताया है कि जावास्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, यानी प्लस यानी कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल का मतलब कुछ अलग निकलेगा और स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल का मतलब कुछ अलग निकलने वाला है। तो यहां पर अब इनपुट करना है हमें, तो यहां पे इनपुट इस तरह से यूज कर लेता हूं इनपुट। ओके, तो यहां इनपुट कर लिया हमने और इनपुट करने के बाद यहां पे हमें रिटर्न करवाना है, तो यहां पर वो चीजें रिटर्न होंगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखा और यहां पर इनपुट का यूज करेंगे जो हमने बनाया है। तो यहां पे इनपुट जो यहां पे लिखा है, इनपुट तो पहले से बना होता है, बनाने की जरूरत नहीं, यहां पे ये लिखा है हमने और हम जो भी इनपुट करेंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाए टू का। ठीक है, ये इस तरह से कर लीजिए आप और यहां पर कर दीजिए इसे टर्मिनेट और अब सेव करने की बारी, तो यहां से सेव कर लीजिए इसे। ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट जो नाम आ रहा था उसी नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं, ये रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चलना है वापस से गूगल शीट पर। तो ये गूगल शीट हमारी है। ठीक है, अब यहां पर जो हमने फंक्शन बनाया है उसे यहां पे लेना है, तो यहां पे हमारा ये फंक्शन है, तो यहां से इनपुट डबल इतना ही आपको कर लेना है कॉपी। इसे मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और अब स्प्रेडशीट में आ चुके हैं हम, गूगल स्प्रेडशीट में। यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये फॉर्मूला कर देंगे कॉपी। क्लियर है, ये फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। यहां पर अब आपको वो वैल्यू देनी है जिसका आप डबल देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 5 का डबल देखना चाहता हूं, अब यहां पे मैं प्रेस करता हूं या फिर यहां पे एडिट पे कर देता हूं क्लिक। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये लोड होने लगेगा और देखिए 5 का डबल आ चुका है यहां पे। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको एडिट मोड में मैं लेता हूं, यहां से एडिट मोड में ले लेते हैं हम इसे यहां पर आकर के और फिर यहां से इसको चेंज करता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 8 का डबल चाहिए और ये देखिए यहां पे ये 8 बताएगा। ठीक है, यानी 8 का डबल कितना होता है वो हमें ये बताएगा। ठीक है, डबल बताएगा, ये बात याद रखिएगा, ये डबल फंक्शन है, स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका डबल हो गया। ठीक है, अगर आप 32 का डबल देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहां लिखना है 32। ठीक है,
तो 32 का आपको पता है 64 होता है, तो यहां 64 आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं 64 आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप खुद का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। चलिए कुछ और चेंज करते हैं, 100 का करते हैं या 1000 का करते हैं, 100 चलिए कर लेते हैं। ये 100 किया हमने और अब यहां एडिट पर कर देता हूं क्लिक। जैसे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए 100 का दोगुना 100 का दोगुना 200 होता है, आपको पता ही है, तो ये आ गया। इस तरह से आप खुद का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कोडिंग। ठीक है, 200 कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया तो यहां पर 400 दिखने लगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर एक और ले लेता हूं, जैसे क्या पॉइंट में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे, तो 9.5 करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे देखिए 9.5 यानी पॉइंट वाली वैल्यूज का भी ये डबल करके हमें दे दे रहा है। तो 9.5 यानी 9.5 18 एक 19, तो यहां पे 19 आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको भी काफी लाभ होगा। वीडियो पसंद आती हो तो इसे खूब शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।